ठीक है आप देखे मैं बना क्या बनाया, मेरे हाथ में क्या है, मुझे ले लेकर मैं खा रही हूँ, और आप ही मुझे क्या बनाया है, और बाद में मैं आपको इसकी रेसिपी बताती हूँ कैसे बनती है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। आज हमारा राजा बना के घर में ही शहर में बनाया जाए, तो मैंने घर में शहर में बनाने लगी हूँ, तो इसलिए मैंने इसके साथ ये चीज़ें लिया, ये शहर में ब्रेड बनी बनाई ले लिया। किचन में आपको खुद बना कर भी दिखाऊंगी, घर में जो ब्रेड बनती ना वो मैं आपको किसी दिन ना बना कर दिखाऊंगी। इसके लिए मैंने लिया है बोनस चिकन। तो वैसे तो बोनस चिकन काफी महंगा पड़ जाता है। आप ऐसे करें, जब भी चिकन ले तो पूरी मुर्गी करा ले, उसके अंदर से ये बोनस चिकन ऐसे ही निकाल ले, ये सही रह जाता है। चले इसे अब हम बनाने की तैयारी करते हैं ना। ऐसे काट ले, फिर बाद में इसको काट ले बोनस को। हम इसको काट कर हल्का सा फ्राई करेंगे कि ये होगा कि सानी से साथ इसका चिकन गल जाएगा और रेशे करना आसान हो जाएंगे। हमने इसे अब काट लिया है, अब इसे थोड़ी देर ले इसमें रखेंगे वालने के लिए। ये बस इसमें थोड़ा सा पानी कर देते, थोड़ा पानी मिल गया इसके अंदर, पानी थोड़ा सा कम लेंगे, चिकन जो होगा ना वो इसके अंदर ही खुश्क पानी कर देगा। जैसे पानी हमने जरा कम लेना है कि इसका अंदर ही इसका वो खुश्क करना है, तो साथ ही हमें इसमें थोड़ी सी नमक डाल देना, अच्छी तरह गर्म हो वाला आ जाए ना चिकन को। जब ये चिकन तैयार होगा तो फिर ये शारमे बनाने आसान हो जाएगी। देखिए कम पानी में ये होगा कि ये चिकन हमारा फूलेगा शारमे की तैयारी के साथ। देखिए हमने इसका पानी अब खुश किया है, ये थोड़ी थोड़ी गल भी गई है ना। अगर जल्दी में हो, अगर आपके पास टाइम है तो ये वैसे भी तैयार हो जाता है मटेरियल। अगर जल्दी में हो, जैसे बच्चे आ जाए स्कूल से वो तंग करे, तो ये जल्दी में होने वाला मटेरियल आपको बता रहे हैं। तो अब ये से हमने जी शारवे च पानी है ना, शारवा अपना शारवा बना लगे आते, बच्चे कह रहे शारवा खाना, तो उसके वास्ते बरीक बरीक ही पाते हैं, हाँ भी लगे बच्चे कड़ कड़ के ना सुटते रहे कि आ की पाता, पता नहीं क्या सब्जियां सेट दी बिच, तो आप बरीक बरीक ही पा लेंगे। मतलब बंद गोभी पानी है ना थोड़ी जी, तो मैं कहा अच्छ घर ही छाने छूने बना लेंगे, कि बाजारों मंगाने आ, ये तो बाजार के खाते तो बाजार दिन जाके पसंद करते हैं। मैं क्या मैं अपने हाथ का जायका चेक करावा ना, ते बच्चे दसूं खा के किदा दा बनिया। तेन मैं कहंदी सी ना सैंडविच ओ बनावांगे, की नाम ओला भला करे, सिंगर बगर, सिंगर बगर बनाने दा बगर दे विच ही पैणा है, सिंगर बगर वास्ते ना साफ दे पत्ते चाहिए हुंदे आ, सिंगर बगर वास्ते साफ दे पत्ते लै लैंदे आ। ते शारने वास्ते बंद गोभी शारना हो, शारना भी पाना वा, मैं कड़ी शारवा लैके आई किसे काम दा ना, मैनू ते पसंद ही नहीं आया, क्यों मैं अपने हाथ का ही टेस्ट खाँदी ना, इसके वास्ते मैं तो लैन गई सी, तो मैं तो पसंद ही नहीं आया, घर आन के फिर बना लग गई। देखिए ना हमने कहा कि ना बाजार से क्या कैचअप लेकर आनी है, तो देखो फ्रिज में से इतनी सारी कैचअप पड़ी है, तो मैंने कहा इसको ही हम ना काट करना, तो इसको इस्तेमाल करते हैं कि कुछ ये देखे ना
ये चीज़ें ऐसे इस्तेमाल भी हो जाती है। घरों में चीज़ें बनाने का यही फ़ायदा होता है, जो घरों में चीज़ें जमा होती रहती है, जैसे कि बाज़ार से शारमे लेकर आते हैं, सिंगर बर्गर लेकर आते हैं, वो खाने पीने की चीज़ें वो इसके साथ वो ले आते हैं। तो मैंने कहा चलो इस्तेमाल करने का तरीका आपको बताओ ना, इन्होंने तो वैसे ही फ्रिज भर कर रख ली। हमारे पास थी घर में पड़ी वो हमारे इस्तेमाल कर, ठीक है। आपके पास भी ऐसे कैचअप हो तो ऐसे ही कैचअप सारी मिक्स कर लेनी है जितनी हो। इसमें हमने लहसुन के जेवे डालने हैं और इसमें हमने ये हमने मेलिजीन ली है बाजार से। अब ये सख्त होती है तो कैचअप उसके शारों के साथ ये वो चीज़ नहीं बनती, ठीक। दो चम्मच इसे हमने ग्राइंडर कर लेना है। देखिए लहसुन डाला, इसमें हमने ये दो चम्मच, ठीक हो गया। मैंने कहा दो तीन चम्मच ही बस करना है, ये जब ये पतली हो जाएगी ना। नहीं कोई बात नहीं, हमने इसको घी के साथ ही इसका बनाते हैं। एक चम्मच और दो चम्मच ज़्यादा, ठीक है। इसमें ये देखें हमने अब इसमें घी भी डाल दिया है और थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे। ये देखिए थोड़ी सी काली मिर्च डाल लेते हैं तो तेज खाने का ही मज़ा आता है, फीके फीके खाने का तो मज़ा ही नहीं आता। चलो ये नमक डाल देते हैं, ठीक हो गया। अब दूध है ना, हमने इसमें थोड़ा सा दूध डाल दिया है कि दूध के साथ अब इसको ग्राइंडर करेंगे, ठीक है। इसमें सारी चीज़ें वो नरम हो जाएगी और शारमे की रोटी के साथ, ये नरम सी रोटी के साथ इसे बनाया जाएगा। जो अभी घर में मैरिज बनाई है वो मैंने निकाल दी है, ठीक है। कोई चीज़ ज़ाया ना करे, अच्छी तरह से साफ कर ले। और साफ करने से ये होगा, ये देखिए अच्छी तरह हमने इस प्याज को साफ कर लिया, ठीक है, चम्मच के साथ की मदद के साथ। अब हमने इसमें थोड़ा सा घी डालना है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा घी डालेंगे। ये हमारे पास घी ज्यादा है, इसके साथ थोड़ा सा घी डाला और साथ हमने हल्की सी काली मिर्च डाल देनी है। ये देखिए कितना आप टेस्ट बनाना चाहे इसका, तेज फीका। हसबे ज़रूरत इसमें नमक जाएगा, हाफ टेबल स्पून इसमें काली मिर्च जाएंगी। ये देखिए ये घी गर्म हो गया ना, अब इसे ये देखिए नाजी हम इसमें थोड़ा सा सिरका डाल देंगे, ये और टेस्ट बन जाएगा। अब इसमें हमने सिरका डाल दिया हद से ज़रूरत, धीमी सी आग पे। और ये देखिए हमने इसमें थोड़ा सा सोया सॉस डाल दिया, ठीक है। चिली सॉस की जगह आप, जब चिली सॉस की जगह आप कैचअप जो हमने अभी आपको दिखाई वो कैचअप के दो चम्मच डाल दिए। ये मटेरियल हमारा तैयार हो जाएगा।
घर का शारमा और बाजार के शारमे में आप बनाए हमें बताना कि क्या फर्क है, वही टेस्ट है बाजार वाला या घर का शारमा ज्यादा मजेदार बनता है? क्योंकि घर के शारमे पे मेहनत तो हो जाती है लेकिन चीज तो अच्छी बन जाती है। नारीन ये देखे हमने शारमे की रोटी ली है जो बाजार से, और बाजार से ये देखे बाजार की रोटी आपको घर की बनाना बताएंगे। घर की रोटी ना ज्यादा मजेदार बनती है, तो मैंने कहा चले आज आपको बाजार घर बाजार की बताती हूँ, फिर मैं घर की बताऊंगी तो उसमें आपको आप उसका टेस्ट चेक करें फिर घर का और बाजार का। ये हमारी शारमे की चीजें तैयार हो गई है। ये देखे चिकन, मैरिजन और केचप, बंद गोभी और मिर्च, ठीक है। अब आपको इसको बताते हैं बनाना। अच्छा जी ये देखें हाँ बंदे मैरिंजिन नहीं खा रहे और ये बाजी है वो मैरिंजिन नहीं खा रही और वो ये खा रहे हैं कि उन्होंने हमें कहा कि हमें केचप ही डाल कर दे। देखिए कैसा मटीरियल नरम नरम सा है। अगर रोटी को हम आपको ये रोटी ही ऐसे बता रही हूँ, ठीक है। इसमें बाद में हम चिकन लगा देते हैं, ज़रा ये खड़ा इसमें ये हो जाएगा। ये परेड वाला बना रहे हैं हम, जो परेड वाला होता है ना वही। ये देखिए हमने ये परेड वाला तैयार किया है और ये देखिए ये मैंने जैसे ही घूमती है ना बाजार से ले वो भी इसी तरह घूमती है, उसमें हमने ये बंद गोभी और ये कर देना है। इसमें बंद गोभी चल गई है, खीरे, ये देखिए नादरीन कितना प्यारा है ये। अब इसको ना ये घर में फोड़ नहीं होते, हो जाते हैं लेकिन बच्चे कह रहे हैं कि हमें फोड़ ना करना, वो परेड वाले बना कर देना। ये देख बाजार में भी परेड वाले मिलते हैं ना, इसे काट दे हमें बाजू कटिंग काट के दे उनके पास तो प्लास्टिक की परेटे होती है ना। चले ये देखे ट्राई करके सामाजी देखे कैसा लगा। अच्छा चले ठीक है, आप भी ऐसा बनाए और हमें बताए कैसा बने, तो बच्चों को दे तो उन्हें भूख लगी थी तो वे आप ही ट्राई करना तो बताना कैसा बना मजेदार शारमे। देखिए मैंने कितनी मेहनत के साथ ये शारमे तैयार किए, एक आपको फोर करके बताया इस तरह फोर हो जाता है, और देखिए एक ने मैरिज नहीं खानी थी ना कैचअप खानी थी, फिर उसके लिए वैसे सादा बनाया, एक के लिए वो मैरिज नहीं डाली और कैचअप डाला, और फिर मैंने और बाकियों ने के लिए सब कुछ डाला, पास रख दिया आपको किसी ने और डालनी हो वो डाल के खाए और बताए कैसे बने हमारे शहर में। और इसके साथ हमें दे इजाज़त अगली वीडियो के साथ मिलेंगे हम। अल्लाह हाफिज़।